साथ आप देख रहे हैं स्वागत जिंदगी। बल्लभगढ़ अग्रसेन चौकी पुलिस की कार्रवाई, देर शाम ऊंचा गांव के समीप सड़क किनारे बैठे शराबियों पर की गई कार्रवाई। जी हां, बता दें कि बल्लभगढ़ शहर में इन दिनों शराबियों को पुलिस प्रशासन का कोई कॉफी नहीं है। शराबी कहीं भी कभी भी अपनी महफिल जमा कर बैठ जाते हैं। ऐसा ही नजारा आप सड़क किनारे खुले ठेकों के आसपास शाम होते ही देख सकते हैं। लेकिन बल्लभगढ़ की अग्रसेन पुलिस चौकी द्वारा इस मामले को संज्ञान लेते हुए बीती रात शाम बड़ी कार्रवाई की गई और पुलिस द्वारा सड़क किनारे महफिल जमाए बैठे शराबियों पर धरपकड़ कार्रवाई की गई। स्वागत जिंदगी से जितिन बेनीवाल की रिपोर्ट। मौके पर पहुंचे हूँ चगाव ठेके के पास में, क्या कार्रवाई की गई है? हम लोग अक्सर आते रहते, गश्त लगाते रहते हैं यहाँ पे। कुछ लोग ना मछली वगैरह बेचते हैं तो उसके करके थोड़ी भीड़ होती है और जो ना कुछ लोग यहाँ पे रेडी वेडी लगा लेते हैं तो उनको हम बार बार आ जाते हैं, हटाते हैं। और एमसीएफ वालों को भी हमने कई बार बोला हुआ है, वो भी अपनी कार्रवाई करते हैं। यहाँ लोग अक्सर देखा गया कि सड़क किनारे ही शराब पीते बहन बेटियों का भी जाना होता है यहाँ से? नहीं नहीं, अपनी लगातार गश्त रहती है और हम लोग उनको भगाते रहते हैं। वैसे तो कोई होता नहीं, लेकिन इक्का दुक्का कोई आ जाता है तो हम मुकदमे भी देते हैं, पर्चा भी देते हैं और उनको भगाते भी हैं। और हमारी गश्त लगातार मोटरसाइकिल पर, जैसे अभी आपने देखा हमारा राइडर भी लगातार रहता है और हम यहाँ पे PCR भी हमारी राउंड मारती है, मैं खुद भी आता हूँ। आगे कोई गुंजाइश नहीं रहेगी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जो ना बहुत हमारी सिक्योरिटी बहुत टाइट है, अभी हम थोड़ा त्यौहार करके दूसरी साइड में बाजार वगैरह में ज़्यादा बिजी थे, लेकिन यहाँ भी जो ना हम इनको बार बार इजाजत देते रहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराओ, गोल चक्कर में खड़े होंगे लोग, ये खुद भी मास्क लगाएंगे ठेके वाले और अपने कस्टमर्स को भी बोलेंगे वहाँ सुखा के रखो, वरना उनको दो मत, ठीक है ना। थैंक यू।